नमस्कार, अपने सुन रहल छी कथा मैथिली के रंग बौआ भाई संग। कथा मैथिली में आजुक जे कथा है तकर शीर्षक है मकुआ छड़ी। एह कथा शीर्षकक लेखक छथि रामदेव झा। सुवंश बाबा दलानक चौकी पर गुमसुम बैसल छलाह। आँखि में नोर त नहीं छलनि, मुदा बुझि पड़ैत छल जेना गहन उदासीक पर्दाक पाछा सँ शोकक धारा छिलिक नहि जाय। लोक सब खड़िहान में थाहाथही कऽ रहल छल। किछु लोक आंगन जाइत छल, किछु गोटे आंगन सँ बहराइत छल। सुवंश बाबा सबके टुकुर टुकुर देखैत छलाह। किछु गोटे बजैत आंगन सँ बहरा रहल छल जे ठेंगा ठाही बूढ़ी विदा भऽ गेली, बाबाक अछैत सधवा रूप में सदगत भेट गेलनि। सुवंश बाबा के ई सब सुनैत नीक नहीं लगैत छलनि, मुदा केओ हुनका लग में सांत्वना देबय लेल नहीं अबैत छलनि। लोक जेना ई अनावश्यक बुझैत छल। बेर झुकैत झुकैत बूढ़ी दायमनि बाबीक प्राण वियोग भऽ गेलनि, मुदा केओ आबि कऽ हुनका नहीं कहलकनि जे एक बेर मुइलो मुँह देख जात हुन। अपन ओ आन आन आंगनक बेटी पुतो सबसँ आंगन दुआरि भरल छल। तेहनमे सुवंश बाबाके आंगनमे स्वयं चल जयबामे संकोच होइत छलनि। सुवंश बाबा सोचि रहल छलाह जे दाइमनि तऽ कहने छली जे जिंदगी भरि सङ्गे रहब, तखन एना छोड़ि कऽ किएक चल गेली। सुवंश बाबा सुदूर अतीतमे चल गेलाह। पिता छलथिन छोट सन जमींदार, अपने छला भय में एक सर। पांच बरखक रहे त माया मर गेलथिन, बाप दोसर ब्याह नहीं कैलथिन। विधवा पीसी आ पिता सह सुवंशक पालन पोषण कैलथिन। उपनयनक बादे से पीसी सुवंशक पिता के सुवंशक विवाह करा देव कहित छलथिन, मुदा सुवंशक पिता कहथिन जे सुवंशक एखन विवाह करा देने एकटा और लेद गेधक गोहर करय पड़त। सुवंश समर्थ भ जायत तखन ब्याह करौने सयान समर्थ कनिया औती तो घर समर लेती। सुवंश जखन चठनगर भेला तो बेसी काल बापेक संग रह लगला। बाप जेना रहथिन जेना जेना करथिन तहिना सुवंशो करय लगला। बाप जका सुवंशो धोती कुर्ता पहिरथि, कान पर चद्दर लेथि, हाथ में मकुआ छड़ी लेथि। अब बापक पाछा पाछा खेत पथार गाछी बिरछी जन बरजन्ना ओतय गेल करथि। बहुत ताक्षेमक पश्चात सुवंशक पिता के एकटा सुशील पवित्र कन्या मोन में बैस गेलनि। सुवंशक विवाह हुनके से करौलथिन। वह कन्या छली दाइमनि, सुवंश नारायणक धर्मपत्नी। दाइमनि के विवाहक सोलहमे दिन दुरागमन करा कऽ लऽ आनल गेलनि। दुरागमनक दोसर दिन सुवंशक पिता कहलथिन अपन बहिन के, मुदा सुनौलथिन पुतोह के, आब ई घर दुआरि बीत बाखर भानस भातेक नहि, सुवंशोक सब भार कनिये पर भेलनि, हम आप निश्चिंत भऽ कऽ रहब। दाइमनि कोबर घर में सब सुनैत रहथि। जहिना ससुर कहलथिन तहिना दाइमनि सौंसे आश्रम के खूब नीक जकां सम्हारि लेलनि। एक युग सँ भ्रम पड़ैत आंगन घर रमन चमन सँ भरि गेल। लागल जे स्वयं अन्नपूर्णा आबि गेल होथि। सुवंश सवेरे नहा सुनाकऽ किछु स्तोत्र पाठ कऽ पनपिए करैत आ बाहर निकलि जाइत अपन काजमे। ओहि दिन सेहो धोती कुर्ता पहिर कान पर डोपटा आ हाथमे मकुआ छड़ी लऽ कऽ विदा हुअ लगला तऽ दाइमनि रास्ता छेकलथिन। सुवंश हुनक मुँह दिस अकचका कऽ ताकऽ लगला। दाइमनि विस्मित हुनका हाथसँ छड़ी छीनैत कहलथिन, ई की बूढ़ बुढ़ानुस जकाँ हाथमे छड़ी लऽ कऽ विदा भऽ जाइत छी? अहिरे बा, छड़ी जमींदारीक रुआबक चेन होइत छैक। जमींदार के कोनो सिंह नांगे रहैत छैक जे रहब जरूरी होइक। सुवंश कहलथिन, रास्ता पेरा खेत पथारमे चलबामे आस दैत छैक, आब तऽ एकर हमरा अभ्यास भऽ गेल अछि। अहाँकेँ आस देनिहार तऽ हम छी, जिंदगी भरि आस दैत रहब तखन छड़ीक कोन काज? सबठाम तऽ अहाँ नहि रहब,
सुवंश विनोदक स्वर में बजला, किया दायमन रविशित संस्वर में कहल थीन, मोन में तो हम रहबे न करब, हमरे मोन पैर लेल करब, बस चिक्का पार। दायमन छड़ी लकर संदूक में बंद कर दिल थीन, तो आई धेर वो बिरहल तो नहीं, मुदा संदूकिये में संजोगल राखल लो। सुवंश आ दायमनिक परिवार पसरित चतरित गेलैन, बेटा पुतो बेटी जमाय पोता परपोता नाति परनाति से भरल पुरल परिवार देख कर सुवंश आ दायमनि के अवर्णनीय सुखक अनुभूत होइत छलैन। तथापि वयसक वार्धक्य, आँखि कान पैर इत्यादि दुर्बलताक कारण सुवंश आ दायमनिक मध्य दूरी बढ़ित गेलैन, संवादहीनता बढ़ित गेलैन। सुवंश बाबा तक कनेक थेगरो छला, मुदा दायमनि बाबी तो जना थौआ थाकर भ गेल छली। कुभेला तो नहीं होइत छलैन, परंतु कोनो काजक हेतु अनकै असरा भ जाइत छलैन, आ एहि दुआरे बेसी काल कुन्हरैत रहैत छली। ओहू अवस्था में दायमनि के सुवंशक चिंता बेसी रहैत छलैन, धियापुता के शोर कऽ कऽ पूछैत छलथिन, बाबा के चाह देलहुन, बाबा के पनपियै देलहुन, बाबा नहेलथुन। घरक लोग कखनो काल गोहिच कऽ कहि देन, हिनका खाली बाबे के चिंता लागल रहैत छनि, हुनको परिचर्या होइते छनि, से विश्वास किएक नहि होइ छनि। दायमन के जखन खाइबा लेल कहल जाइ छलनि तऽ पहिने पूछैत छलथिन, ओ खैलनि, ओ खा लेता तखन हम खायब। एम्हर दायमन बेसी अशक भऽ गेल छलीह, आइ बेरुक पहर प्राण वियोग भऽ गेलनि। साँझ पड़ि गेल छलैक, चारू कात बाढ़िक प्रकोप, कतौ भूमि खाली नहि। दायमनिक संस्कार कोना हो से सबके चिंतित कयने छल, मुदा सौंसे गामक लोक जे इकट्ठा छल से सब एके सुर में बाजय लागल, सब इंतजाम भऽ जेतै ने, धूर एखन धरि जागल छैक, वएह पकड़ि कऽ अपन कलम पहुँच जायब, ओहिठाम संस्कार भऽ जेतनि, लोकक कोनो कमी नहि छैक, ओहि पुण्यात्माक प्रतापें कोनो विघ्न बाधा नहि होइतैक। सुवंश किछु कहऽ चाहलथिन, मुदा बीचेमे बेटा सब रोकि देलथिन, बाबू अहाँ चिंता क्या करै छी, अहाँ निचैन रहू ने। दायमनिक पार्थिव शरीर के लऽ कऽ विदा होबा काल सुवंश चलबाक हेतु उठि कऽ ठाढ़ भेला, तब बेटा सब रोकि देलथिन, बाबू अहाँ कतऽ जायब, अन्हार रहैत छैक, बाढ़िक कारणे रास्ता पेरा ठीक नहि छै, अहाँ गामे पर रहू। हौ जिंदगी भरि हमरा आस दैत रहली, तऽ अंतिम बेरमे पाँचटा काठियो तऽ दऽ देबनि। एते कालक बाद सुवंश बाबाक मुँहसँ बोल बहरेलनि, जाहिमे अजस्त्र व्यथा आ करुणा घोरल छल। बेटा कहलथिन, बाबू हमहूँ तऽ अहीं दुनू गोटेक संतान छी ने, हमरा हाथे जे काठी पड़तनि सेहो तऽ अहीँके ने भेल। सुवंश बाबा अशोथकित जकाँ चौकी पर बैस गेलाह। लोक सब राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, कही दायमनि के लऽ कऽ विदा भऽ गेल। सुवंश बाबा एकसरे चौकी पर बैसल रहि गेलाह। चार में सौरी सँ लटकल लालटेन जरि रहल छल। सुवंश बाबा एकटक सँ लालटेनक टेमी के देख रहल छलाह, आ मोने मोने अपन जीवनक पोथीक पछिला पन्ना सब उन्टा रहल छलाह, आ प्रत्येक पन्नाक दुनू पीठ पर एकेटा नाम भेट रहल छलनि, दायमनि दायमनि दायमनि। सहसा एकटा पन्ना पर आबि कऽ सुवंश बाबाक चेतना अटकि गेलनि। ओ सहसा उठला आ लालटेन लऽ कऽ आँगनमे प्रवेश कयलनि। आइ तँ हुनका मोने नहि छलनि जे कहिया सबसँ अंतिम बेर दायमनिक कोठलीमे गेल छलाह। सुवंश दायमनिक पेटी बाकस सब अनामित राखल देखलनि, कोनोमे ताला नहि लागल। दायमनि कहियो अपन पेटी बाकसमे ताला नहि लगबैत छलीह। सुवंश दायमनिके ताला लगेबा लेल कहे छलखिन तऽ दायमनि उत्तर दैत छलथिन जे ककरासँ नुकेबा लेल ताला लगाओ, हमर तँ सबसँ पैघ सम्पत्ति अहाँ छी, तँ अहाँके कोना हम ताला लगा कऽ बन्न राखू। ई कहि कऽ ओ रफसल हँसी हँसि दैत छलथिन। सुवंश के ओहि पेटी बाकसँ वएह रफसल हँसी बहरैत बुझि पड़लनि, वएह हँसी एक कातमे राखल संदूकसँ सेहो बहरैत बुझि पड़लनि, वएह हँसी जे आइसँ 60-70 वर्ष पहिने दायमनिक मुँहसँ बहरायल छलनि। ओ हँसी सुवंशक कानमे तरंगित हुअ लगलनि,
आ दाईमणि को हसित मुखमंडल अंतश्चक्षुक सोझा प्रत्यक्ष भ गेलनि। ओ कनिक काल हेतु अपन आँखि मुनि लेलनि। आंगन में जनी जाति सब घर आंगन गोबर से नीप रहल छले। किछु गोटे आगि पानि लोह पाथर आ सोहराय सब आनि कऽ तुलसी चोरा लग राखि रहल छले। एकाएक सोंस बूढ़ा के आंगन आबि दाईमणि घर में जाइत देख सब आश्चर्यचकित भ उठले। ई एकटा अद्भुत बात सबके बुझि पड़ल। सब एकाएक सहटि कऽ दाईमणि कोठलीक देहरि पर आबि कऽ थाहा थेही भ गेली। ओढ़ में ठाड़ भ बूढ़ा सोंस के देख लगली। क्यों क्यों भनभनाइत बजबो कैलक। बुझि पड़े बूढ़ी गहना के पटरी आ कोसिलिया सब ढूंढा अला अछि। गे माई बूढ़ा एहन अनविश्वासु किया भ गेला। हुनकर सब अनामतिये रहतनि से विश्वास नहीं भेलनि। सुवंश बाबा दाईमणिक संदूकक पिहना उठा कऽ किछु ढूंढ़ लगला। लालटेम बामा हाथ में राखि दहिना हाथे संदूक में राखल साड़ी सुजनी शतरंजी इत्यादि सब हटा हटा कऽ कोनो वस्तु तकैत रहला। बाहर में पुतोह सब पुतोहुक पुतोह सब उत्सुकता से देख रहली। देखी जे संदूक से की बहरैत छे। बड़ी कालक बाद संदूकक पेट में एक कोन में मकुआ छड़ी भेटलनि सुवंश बाबा के। ओ हाथ में छड़ी लऽ कऽ किछु काल धरि देखैत रहला। छड़ी के बामा हाथ से धऽ कऽ दहिना हाथे पोछलनि। संदूक के ओहिना उकटल पुकटल फुजले छोड़ि कऽ बाम हाथ में लालटेम आ दहिना हाथ में छड़ी लेने दलान पर चल अयला। सुवंश बाबा लालटेम के सड़ी में टांगि देलनि। अन्हार राति में छड़ी टेकैत थाहैत थाहैत श्मशान दिस विदा भ गेला। आजुक कथाक प्रायोजक छल साउंड वेव्स प्रोडक्शन। एहने एहने सुंदर आ रोचक कथा सुनबा लेल कथा मैथिली चैनल के लाइक करू, सब्सक्राइब करू आ शेयर कऽ कऽ बेसी से बेसी लोक धरि पहुँचेबा में सहयोग करी। धन्यवाद।